हिना क्या कुछ कहना चाहेंगी 11,11,000 की ज्वेलरी का जो गबन हुआ है उस पर उसको लेकर आप पर इल्जाम लग रहा है, क्या क्या सफाई देना चाहेंगी? उसमें से 2,86,000 के ही ज्वेलरी वापस की गई ऐसा कहा जा रहा है, एक ज्वेलर की तरफ से इल्जाम लगाया गया। अब सी हेमलता इज अ स्टाइलिस्ट एंड सब लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, अब जितना उस टाइम वो अफोर्ड कर पाई उसने वापस किया एंड बाकी इज स्टिल इन द प्रोसेस, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू अरेंज मनी और वो अपनी तरफ से हर तरह से कोऑपरेट कर रही है, सो आई अंडरस्टैंड हर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। हो गया, अभी उसकी असिस्टेंट से हो गई गलती, मिसप्लेस हो गई या चोरी हो गई या फिर बेच दी गई, गॉड नोज क्या हुआ है, सो शी इज ट्राइंग हर बेस्ट। बाकी अब मैं क्या बोलूँ, एज फार एज जो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं जो मीडिया में चल रहा है, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट बिकॉज मेरे घर पे जब कुछ आएगा, कोई डॉक्यूमेंट आएगा, आई कैन ओनली रिएक्ट देन। तो मेरे पास कोई लीगल नोटिस कुछ नहीं आया है, सब मीडिया में चला गया है, सब ये चला गया, एंड इफ इट ऑल दे क्लेम दैट आई हैव रिसीव्ड इट, देयर इज ऑलवेज अ रिसीवर्स सिग्नेचर व्हेन यू रिसीव, पोस्टमैन हमेशा सिग्नेचर लेता है, सो कैन यू प्लीज फॉर गॉड सेक शो मी दैट सिग्नेचर कि मेरे फैमिली में या मैंने ये सिग्नेचर किया है और रिसीव किया है। हिना के मुताबिक जो गहने उसे पहनने के लिए दिए गए थे उसके बारे में ये कुछ भी नहीं जानती थी। बकौल हिना वो गहने इसकी स्टाइलिस्ट हेमलता के पास थी और हेमलता के पास से ही वो कहीं गुम हो गए। अब जितना उस टाइम वो अफोर्ड कर पाई उसने वापस किया एंड बाकी इज स्टिल इन द प्रोसेस, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू अरेंज मनी और वो अपनी तरफ से हर तरह से कोऑपरेट कर रही है, सो आई अंडरस्टैंड हर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। हो गया, अभी उसकी असिस्टेंट से हो गई गलती, मिसप्लेस हो गई या चोरी हो गई या फिर बेच दी गई, गॉड नोज क्या हुआ है, सो शी इज ट्राइंग हर बेस्ट। हिना के मुताबिक गहनों की रिकवरी के लिए उसे ज्वेलर का कोई लीगल नोटिस भी नहीं मिला है, लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से ये मामला मीडिया की सुर्खियों में छा गया है उससे तो यही लगता है कि ज्वेलर ने गहनों के गबन का ये आरोप अपनी पब्लिसिटी के लिए लगाया है। आप अगर वो जो नोटिस है अगर आप उसको अच्छे से देखिए, उस पर लिखा है कि 16th को वो इश्यू किया गया है और 17th को वो मीडिया में था, अभी पोस्ट से आने में भी आई थिंक एक आधा दिन लग जाते हैं, तो इट वॉज डेफिनेटली ऑल प्लान्ड, दे हैड अ प्लान कि इस तरह से दे विल डिफेम हिना खान एंड दे विल गेट अ मनी आउट ऑफ मी बिकॉज उनको पता है कि ईजी है, बट आई एम सॉरी यू आर डीलिंग विद द रॉन्ग गर्ल। हिना की माने तो जो गहने गुम हुए हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, गहने इसकी स्टाइलिस्ट हेमलता के पास थे और उसके गुम होने के बाद हेमलता ने बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने हिना ने अपनी बेगुनाही की जो कहानी सुनाई उसका सच क्या है? क्या हिना वाकई गायब हुए गहनों के बारे में कुछ भी नहीं जानती है? इस मामले की तह तक जाने के लिए जब एबीपी न्यूज संवाददाता रवि जैन हिना की स्टाइलिस्ट हेमलता के पास पहुंचे तो उसने क्या खुलासा किया, अब आप जरा यह भी सुन लीजिए। इनसे मिलिए, ये हैं हिना खान की स्टाइलिस्ट हेमलता। हेमलता की माने तो ज्वेलर की तरफ से हिना को पहनने के लिए जो गहने दिए गए थे वो उसकी असिस्टेंट के पास थे और उसी ने उन गहनों में से 8,25,000 के गहने गुम कर दिए हैं। दोनों असिस्टेंट साथ में थी, अनाली गुप्ता और रिचा यादव, दोनों साथ में रिक्शा में ट्रैवल कर रहे थे सामान ड्रॉप करने के लिए और मेरे घर आए ही नहीं उस दिन रात को। मुझे पता चला कि मैंने उनको पूछा कहाँ है ज्वेलरी कहाँ है, तो उन्होंने बोला उनको पता नहीं है, मतलब अलग अलग रीजन, मुझे 5 अलग अलग स्टेटमेंट्स मिले। हेमलता के मुताबिक गहनों के गुम होने के पीछे हिना की कोई भूमिका नहीं है, गहने इसकी असिस्टेंट की वजह से गायब हुए हैं और इस कांड के बाद इसने पुलिस में बाकायदा FIR भी दर्ज करवाई है। ऑन द वे अब मेरी असिस्टेंट को कहीं ड्रॉप करना था और उसने गुमा दी ज्वेलरी की, उसने गायब कर दी, अभी क्लियर नहीं है, तो मैंने इसी रिलेटेड FIR भी की है और बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में FIR की हुई है, आई हैव कॉपी। हेमलता के मुताबिक पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है लेकिन ज्वेलर इसके बाद भी इसे परेशान कर रहा है। यही नहीं, इस मामले में हिना का नाम भी बेवजह घसीटा जा रहा है क्योंकि गहने हिना के पास नहीं बल्कि उसके पास थे। हिना का भी यही कहना है कि गहनों के गबन में ज्वेलर पब्लिसिटी के लिए ही उसका नाम ले रहा है। ऐसे में अब पुलिस की जांच के बाद ही ये साफ होगा कि गहनों के इस गबन कांड का असली गुनाहगार कौन है।
सनसनी।